नमस्कार भाई लोगों, देखिए ये वीडियो मुझे बिल्कुल बनाना था और अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है। जब मेरे जैसा इंसान जो इस इंडस्ट्री में इतने दिन से है, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जब मैं उनके जाल में कुछ हद तक फंस गया था, मैं बच गया। मैं कैसे बच गया मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर मैं फंस सकता हूँ उनके जाल में कुछ हद तक, तो आप जैसे लोग जो कि यंग हैं, फ्रेशर हैं, जो इस इंडस्ट्री में आने वाले हैं, वो तो मतलब यूँ फंस जाएंगे इनके जाल में। इतने प्रोफेशनल तरीके से ये लोग काम करते हैं। देखिए मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो कुछ हफ्ते पहले मेरे साथ घटी है और मैं कैसे उनके जाल में फंसते फंसते बच गया। देखिए क्या हुआ कि लिंक्डइन एक प्रोफाइल है, लिंक्डइन एक चैनल है, जहाँ पर कि मुझे एक बंदी ने मैसेज किया जिसका नाम था विनीत जैन। उसने मेरे को मैसेज करने के बाद बोला कि एक होटल है गोल्डन ग्लो होटल नाम का, वहाँ पर रेस्टोरेंट मैनेजर की, फूड एंड बेवरेज मैनेजर की, जनरल मैनेजर की, एक्स वाई जेड बहुत सारी वैकेंसीज है, तो आप अपना रिज्यूम जो है वो शेयर करें। लिंक्डइन जो है एक जॉब सर्चिंग साइट है जहाँ पर कि लोग जॉब वैकेंसीज पोस्ट करते हैं। तो मैंने सोचा कि ये मतलब लिंक्डइन से आया है तो ये सही होगा, तो मैंने वहाँ पर अपना रिज्यूम जो है उसके बताए गए ईमेल एड्रेस पर भेज दिया। भेजने के बाद कुछ दिनों के बाद मुझे रिप्लाई आया वहाँ से कि ठीक है, आपका जो रिज्यूम है वो शॉर्टलिस्ट हो गया है, तो हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, जो हमारा एचआर का टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा कुछ दिन के बाद। तो मैंने बोला अच्छा, अच्छी बात है। मैंने वापस उस बंदी को मैसेज किया कि मैम मैंने अपना रिज्यूम जो है आपके वेबसाइट पर भेज दिया ईमेल एड्रेस पर, तो आप प्लीज़ चेक कीजिए। अचानक से दो दिन के बाद मुझे होटल से एक ऑफ़र लेटर आता है, और ऑफ़र लेटर मतलब बकायदा 4-5 पेज का ऑफ़र लेटर आता है, जिसके के अंदर मुझे बताई जाती है कि आपकी सैलरी जो है वो करीब इंडिया के पैसों के हिसाब से मैं बताऊँ तो 4.5 लाख रुपये होगी। उसके अलावा मुझे घर में रहने का रेंट करीब 1,60,000 मिलेगा, बाकी मिसलेनियस खर्चा मिला के वो करीब 8-10 लाख रुपये महीने का वो पैकेज चल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि यार मतलब सही नौकरी मिल गई मुझे, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, ये हो जाएगी। और ये होटल वो बोल रहे थे कि ये होटल जो है वो शारजाह के अंदर में। अब मैंने क्या किया कि अब उस बंदे ने मुझे मेल किया, 2-3 नंबर भी था वो शारजाह का, मैंने उसको फ़ोन किया। उसने मेरे को बोला कि ठीक है आप मुझे ईमेल कीजिए कि आपको क्या क्या डिटेल जानना है। अब मैं खुश भी हूँ, मैंने कुछ लोगों को बता भी दिया, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात खटकी कि बॉस इतना सैलरी अगर कोई दे रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ झोल झपाटा ज़रूर होगा। तो मैंने सबसे पहले गोल्डन ग्लो होटल की वेबसाइट खोली, मैंने देखा कि ये होटल आखिर है कैसा। होटल में कुछ भी फ़ोटोज़ वोटोज़ नहीं थे, बट लिखा हुआ बहुत सारा चीज़ें था, तो मैंने उसको पढ़ा। मैंने देखा कि होटल के वेबसाइट से ही ये मतलब होटल के ही ईमेल एड्रेस से सारा कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कुछ ना हद तक ये जो होटल है वो सही होगा। अब अचानक से मुझे एक मेल आता है और मेल में वो ये लिखते हैं कि अगर आपको दुबई आना है, शारजाह आना है, यूएई, तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्ट कराने पड़ेंगे, और अटेस्ट कराने के लिए आपको 3900 AED मतलब कि करीब 70 से 80 हज़ार रुपये इंडियन करेंसी में आपको हमें देना होगा, बिना इसके आपके काम नहीं होगा। अब मेरा दिमाग खनका कि बॉस अगर कोई होटल डायरेक्ट आपसे बात कर रहा है, ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि अगर कोई होटल आपको डायरेक्ट रिक्रूट कर रहा है तो वो आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा। अगर होटल वाले आपसे पैसा मांग रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्रॉडबाजी हो रही है। अब मेरा दिमाग जब खनका तो मैंने सोचा कि मैं इसको सर्च करता हूँ। कि फिर होटल वाले को बोला, एचआर को मैंने मेल किया वापस उसी गोल्डन ग्लो होटल को, कि आप मुझे अपने होटल के पिक्चर्स भेजो, आपका होटल क्या है, कब बना, मुझे कुछ भी वेबसाइट पर नज़र नहीं आ रही। तो अभी उसने क्या किया कि मुझे उसने बहुत सारे होटल के पिक्चर्स भेजे। तो इंडिया में गूगल लेंस चलता है, तो मैंने जब उन सारे फ़ोटोज़ को गूगल लेंस में सर्च किया, तब मुझे पता चला कि ये जितने भी फ़ोटोज़ मुझे होटल वाले ने भेजा है कि ये हमारे होटल के पिक्चर्स हैं, ये सारे होटल कोई लेगस कॉन्टिनेंटल होटल है फुकेट में, वहाँ के फ़ोटोज़ हैं। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने सोचा कि बॉस अगर मैं इनके लालच में फंस गया होता, मैंने उनको पैसे दे दिए होते, तब तो मेरा 60-70 हज़ार तो बर्बाद हो ही गया होता। और दूसरी बात है कि मैंने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी उनको भेजे होते, जिसका कि वो मिसयूज़ इन फ्यूचर या एट प्रेजेंट कर सकते थे। मैंने उसको वापस मेल किया कि हाउ लॉन्ग यू गाइज आर इन दिस बिजनेस ऑफ फूलिंग पीपल। उस बंदी ने मेरे को लिंक्डइन पे ब्लॉक कर दिया। मैंने उस होटल वाले को वापस से ईमेल किया, मुझे उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। मतलब कि उनको पता चल गया कि इस बंदे को सारी असलियत पता चल गई है, एंड नाउ वी हैव लॉस्ट दिस गेम ऑफ फूलिंग हिम। तो वीडियो बनाने का मकसद सिंपल सा एक है मेरे भाई, कि जब भी विदेश जाना, अगर आपको जाना है तो हड़बड़ी मत मचाइए, बिल्कुल अच्छे से जांचिए परखिए कि जिस सोर्स से हमें ये ऑफ़र आया है, जिस सोर्स से हम जा रहे हैं, क्या वो ट्रस्टेड है।
क्योंकि एक बार आपका पासपोर्ट आपके हाथ से चला गया, आपके पैसे चले गए, तो वो वापस नहीं आएगा। आपका करियर तो छोड़ दो, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। देखिए, हमारी फैमिली जो है बहुत बड़ी है यूट्यूब की आज के डेट में। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। होटल का नाम है गोल्डन ग्लो होटल। मुझे लिंक्डइन पर जिस बंदी ने भेजा उसका नाम है विनीत जैन। मैं सारे स्क्रीनशॉट्स जो भी हैं इंस्टाग्राम पर डालूंगा, आप उनको देखिए और इस वीडियो को आप आग की तरह फैलाइए, ताकि कोई दूसरा इंसान, मैं तो बच गया, कहीं कोई दूसरा इंसान जो है इस जालसाजी में, इस फ्रॉडबाजी में नहीं फंस जाए, उनके पैसे बचे, उनका करियर बचे। यही बनाने का मेरा मकसद था वीडियो को। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।